अच्छा, यहाँ तो बहुत सारे चीज देख रहा हूँ जैसे ये सब रिलीजियस सिंबल्स हैं। अच्छा, ये सारे रिलीजियस? हाँ जी, ये त्रिशूल हुआ, ये अपने बंगाली स्वस्तिक हुआ, ओम हुआ, ये इसको खांडा बोलते हैं। अच्छा, पंजाबी में। अच्छा, सिखों का सिंबल है ये। ओम तरह तरह के बनते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। एडुकेशन एंड बिजनेस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है विजय मोहता और इस शॉप का नाम है या हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नाम है साइन एंड स्टील। साइन का मतलब हुआ साइनेजेस, नेम प्लेट वगैरह वगैरह। अच्छा, हर तरह का जो साइनेज जगह जगह जो लगता है, आपके होटल्स का साइनेज, रेजिडेंशियल साइनेज, इंटरनल साइनेज, हॉस्पिटल्स में साइनेज लगते हैं, आपके रास्ते में भी जो साइनेज लगते हैं वो भी है, शॉप्स के नाम हुए, बिल्डिंग के नाम हुए, ये सब तरह के साइनेज हम लोग बनाते हैं। डेकोरेटिव साइनेज आपके, बहुत तरह के रिलीजियस साइन हैं, कई तरह की चीज़ें हम लोग बनाते हैं। आउट ऑफ एक्रेलिक, इंपोर्टेड एक्रेलिक हुआ, स्टेनलेस स्टील हुआ, ब्रास हुआ, फिर वुड हुआ, ये सब से हम लोग बनाते हैं। तो इस तरह बहुत तरह के साइनेज बनाते हैं। आपके सेफ्टी साइनेजेस बनते हैं जो इन केस ऑफ फायर वो ग्लो होते हैं आधी घंटा तक, और उसमें आदमी को अपना रास्ता मिल जाता है कि कहाँ उसको भागना है। इस तरह से सेफ्टी साइनेजेस भी बनते हैं। सर, एक्चुअली ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये कहाँ पे है? ये कलकत्ता में अपना, अभी बालीगंज फाड़ी में ये शॉप। अच्छा, गरियाहाट रोड जो है ये ज्यादा पॉपुलर है, नंबर 55 गरियाहाट रोड। नंबर 55 गरियाहाट रोड। साइन एंड स्टील के नाम से अपना है। ये मेरा ब्रोशर है, छोटा सा इंट्रोडक्टरी ब्रोशर। डिजाइनर नेम प्लेट्स हम लोग मेनली बनाते हैं। अच्छा, डिजाइनर नेम प्लेट मेनली आप लोग बनाते हैं? नेम प्लेट्स, डिजाइनर नेम प्लेट्स, नॉट नॉर्मल जो बनता है वो तो बनता ही है, अपार्ट फ्रॉम दैट डिजाइनर नेम प्लेट्स हम लोग काफी बनाते हैं। अच्छा, तो ये कस्टम मेड है। अच्छा, ये फ्रॉम अपने कलकत्ता से ये कनाडा भी गया हुआ है, ऑस्ट्रेलिया भी गया हुआ है, इंग्लैंड भी गया हुआ है, सब जगह हम लोग का गया हुआ है। अच्छा, हाँ जी। चलिए आपका प्रोडक्ट थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। ये स्टेनलेस स्टील का रोज गोल्ड में श्री लिखा हुआ है, ये श्री। अच्छा, रिलीजियस सिंबल है, ये भी बॉक्स लेटर है। अच्छा, फिर ये आपके ओम हुआ। ओम, हाँ, ये भी रोज गोल्ड में है। अच्छा, ये बंगाली में स्वस्तिक बोलते हैं इसको। अच्छा अच्छा, इसमें नीचे में पांच वो लाइन भी होती है, वो अभी पकड़ने में असुविधा है बोल के आपको ये दिखा दे। ये स्वस्तिक है, स्टेनलेस स्टील गोल्डन में, बड़े साइज का स्वस्तिक, ये छोटे साइज का, जो साइज आप बोलेंगे वो बन सकता है। जो साइज कस्टमर को अगर कस्टमाइज करना चाहते हैं तो हाँ वैसा बन सकता है, वैसा आप बना सकते हैं, वैसा हम बनाते हैं। अच्छा, बेसिकली हर चीज कस्टम मेड ही है। अच्छा, ये मैट स्टील का कटिंग है, एक लोगो है। अच्छा, ये प्लेट है जो कि आपके स्टोन कट प्लेट है, लेकिन बनी हुई है एक्रेलिक से, और लेजर कट है। लेजर कट, लेजर कट। अच्छा, इसके ऊपर कुछ भी अपने लगा सकते हैं, बैकग्राउंड प्लेट हो गया, उसके ऊपर कुछ भी लग सकता है, ठीक है। ये मेटल से अपने वुड के ऊपर आते हैं, ये जैसे टेबल के ऊपर रखने के लिए है। आई लव कोलकाता। आई लव कोलकाता। अच्छा, नॉट ओनली कोलकाता, वी लव भारत ऑल्सो। ओके, वेरी नाइस। इसमें कोई भी कलर किया जा सकता है, कोई भी साइज का बन सकता है, कोई भी साइज और कलर दोनों का भी कस्टमाइज कर सकते हैं। हाँ जी सर, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, तो हाँ इसी तरह कोई अगर अपना नाम लिख कर अगर एरिया का नाम हो या किसी वार्ड का नाम हो? बिल्कुल बिल्कुल, वो भी हो सकता है, ये पर्सनल नाम भी हो सकता है, पर्सनल नाम भी कर हाँ, सकते हैं। हाँ, ये इसका स्टैंड है, स्टैंड के ऊपर आप रख सकते हैं। अच्छा, कई लोग अपने बच्चे लोगों का नाम लिखवाते हैं, खुद का नाम लिखवाते हैं, ये जैसे पर्सनल नाम है।
पर्सनल नाम आपके वुड में है, वुडन फिनिश है, यहाँ बंगाली में लिखा हुआ है, बंगाली, उड़िया, एसमीज, जो आप बोलेंगे उसमें लिख, मतलब किसी भी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। हाँ जी, चलिए ये बढ़िया है। और ये वुडन फिनिश में ही है, इसको आप दरवाजे के ऊपर भी लगा सकते हैं, आप इसको खड़ा भी कर सकते हैं, पेस्ट भी कर सकते हैं। ये जैसे रूम नंबर में से रूम हुआ, रूम नंबर अश्विन, ये किसी का नाम है। अच्छा, ये भी वुडन फिनिश में हुआ, ये सब पाइन वुड में है विद पॉलिश, ये लोग बहुत पसंद करते हैं। ये भी वुड में पिंक कलर किया हुआ, पहले था वो ब्रास में था, पहले जो था वो ब्रास में था। अच्छा, ये वुड में है, ये वुड में है, ये भी खड़ा कर सकते हैं आप कहीं भी। ये अगर आपको अपने कुछ भी कैप्शन या कुछ अच्छे कोट्स अगर बनवाने हो तो वो हम बना के दे सकते हैं। अच्छा, जैसे आई लव टी, चाय, अगर आप चाय के शौकीन हैं तो ये कोई माने तो ऐसा, कोई अगर लिखना चाहता है कि सेव एनवायरनमेंट, हाँ हाँ तो बिल्कुल, ये भी आप लिख सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हैं, क्रिएट समथिंग एवरी डे। अरे वाह, ये गुड क्वेश्चन है। यस, अब वुड से फिर एक बार मेटल पे आ जाते हैं। अच्छा, ये टाटा का सिंबल हमने बनाया था, टाटा का सिंबल, हाँ जी, वाह, जमशेदपुर गया था, उसी का कटआउट से हमने इसको फिर से एक बना के रख लिया यहाँ सैंपल। आई लव कलकत्ता के साथ में ये हावड़ा ब्रिज भी है, ये हावड़ा ब्रिज, हाँ जी, आप ऐसे मान लेते हुगली सेतु और वगैरह वगैरह जो भी है ऐसे भी बना सकते हैं, आपको पूरा कलकत्ता का स्काईलाइन हम बना के दे सकते हैं। अरे वाह, एंटायर स्काईलाइन ऑफ कलकत्ता, उस पे हमारा काम चल भी रहा है, नेक्स्ट टाइम हम इसको दिखाएंगे आपको, ठीक है। और स्काईलाइन जो है कलकत्ता के अलावा और भी किसी सिटी का हो, जैसे बॉम्बे का स्काईलाइन हुआ, दिल्ली का हुआ, उसमें स्काईलाइन में क्या है, जो भी आइकॉनिक स्ट्रक्चर्स है या वो सबको लेकर एक वो बना देते हैं कोलाज करके। अच्छा, तो वो लोगों को काफ़ी पसंद आता है, वो चीज़ आप बना कर दे सकते हैं। जी हाँ, वो भी हम दे सकते हैं, ठीक है। और क्या है सर इसके अलावा? बॉक्स लेटर्स अपने देखते हैं, बॉक्स लेटर्स विद लाइट, LED लाइट, ये जैसे ब्लैक कलर का है जी, इसके पीछे वार्म वाइट लाइट लगी हुई है LED की। अच्छा, ये एक अलग किस्म से है, ये गोल्डन लेटर है, इसके पीछे में फिर एक एक्रिलिक लेटर है, उसके अंदर लाइट लगी हुई है रेड कलर की LED की, ये भी गोल्डन लेटर है, इसके पीछे वाइट LED लाइट लगी हुई है। अच्छा, ये इसको चैनल लेटर बोलते हैं, चैनल लेटर, इसके चारों तरफ मेटल है फ्रंट में भी। अच्छा, और अंदर में एक्रिलिक जो है वो निकल के आ रहा है, सामने लाइट फ्रंट में मार रहा है, ठीक है। ये सब आपके ये A और S, ये एक्रिलिक के सॉलिड एक्रिलिक के लेटर्स हैं, सॉलिड एक्रिलिक लेटर्स। अच्छा, जो स्टाइल जो डिजाइन आप बोलेंगे वो बन जाएगा। ये उड़ीसा का सिंबल है, उड़ीसा का सिंबल हुआ, ये स्टेनलेस स्टील में एचिंग करके इसके पीछे लाइट है, ठीक है। और ये ऊपर में राइट साइड में मिलिट्री का एक सिंबल है, मिलिट्री का सिंबल भी आप लोग बनाते हैं? हाँ जी, हमें जो आप बोलेंगे वो हम बना के देंगे, कुछ भी, मतलब कोई एनीथिंग इन मेटल, एक्रिलिक, वुड, जो आप बोलेंगे वो हम बना देंगे। ये बहुत सारा प्लेट मैं देख रहा हूँ, नेम प्लेट वगैरह, हाँ ये भी आप बनाते हैं? बिल्कुल, अब आप आइए नेम प्लेट्स के ऊपर, ये बहुत तरह के सैंपल, प्रांतिक वगैरह लिखा हुआ है, प्रांतिक ये एक्रिलिक में लिखा हुआ है और गोल्डन है। अच्छा, लेजर कट है, ये मजूमदार विद गणेश जी का सिंबल, मजुमदार विद गणेश जी का सिंबल, हाँ। और ये क्रेडाई बंगाल का सिंबल है, लोगो है, ये स्टेनलेस स्टील में एचिंग करके कलर किया हुआ है। अच्छा, फिर बनर्जी बाबू को भी वहाँ हमने रख रखा है एक्रिलिक, हाँ। में ये बनर्जी, हाँ जी, ऐसे उसके ऊपर जो है ये वुडन में है। अच्छा, PB काजी नजरुल इस्लाम एकेडमी। अच्छा, ये जो लिखा हुआ है ये बहुत सारे मेरे लगे हुए हैं यहाँ में रविंद्र सदन में। अच्छा, फिर वो एकदम टॉप में मजूमदार लिखा हुआ है, वो स्टेनलेस स्टील के ऊपर ब्रास के लेटर्स हैं, हाई लेटर्स। अच्छा अच्छा, इसमें भी जैसा आप बोलेंगे वैसा बन जाएगा, मतलब ये सब सैंपल, सब यहाँ में सब सैंपल्स हैं, ये सब सैंपल्स हैं। अच्छा, आपके ये जैसे रॉय, हाँ हाँ, ये भी एक शेप की प्लेट है, बैकग्राउंड में स्टेनलेस स्टील शाइनिंग प्लेट है, उसके ऊपर मैट फिनिश की प्लेट है, मैट फिनिश में एचिंग करके इसको बनाया गया है। वाओ, वेरी नाइस। ये इसके नीचे एक प्लेट है एक्रिलिक में MP MIC MLA। अच्छा, ये भी एक बहुत बड़े डिग्निटरी के यहाँ में लगा हुआ था, उसी का सैंपल है।
ठीक है, मुकुट जो लिखा हुआ है ये ब्रास की प्लेट है, ऑक्सीडाइज की हुई है, एंटीक फिनिश में। अच्छा। उसके ऊपर ब्रास के लेटर्स लगे हुए हैं, न्यू असाइनमेंट, सब स्क्रू से लगाया हुआ है पीछे से। ये मैं आपको एक और दिखा रहा हूँ, ये जैसे स्टेनलेस स्टील की प्लेट है मैट फिनिश। हाँ। ये नीचे में मैट फिनिश की फिर ब्रास की प्लेट है, उसके ऊपर ब्रास के लेटर्स हैं और इनको पीछे से सब स्क्रू टाइट किया हुआ है सो दैट ये लेटर्स कभी निकलेंगे नहीं। मतलब ये फिक्स्ड हो गया? फिक्स हो गया। अच्छा, तो ये इस टाइप की चीज बहुत लोगों को पसंद आती है। हाँ, ये कर्सिव में भी लिखा हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, कर्सिव में लिखा हुआ है, जो फॉन्ट आप बोलेंगे उस फॉन्ट में हो जाएगा, उस फॉन्ट में बनेगा। वाओ, वेरी नाइस। फिर आपके सेफ्टी साइनेजेस है ये। अच्छा। डेंजर साइन, इमरजेंसी एग्जिट, नो स्मोकिंग, इस तरह के सेफ्टी साइनेज है। फिर इसके बगल में होटल के साइनेज, जैसे बैंक्वेट किधर है, आपके रूम नंबर्स किधर है, कितने नंबर्स कहाँ हैं, वो उस टाइप का साइनेज हो गया। नो स्मोकिंग होटल्स में काफ़ी लगता है। मेल फीमेल करके ये जैसे वॉशरूम के जो सिंबल्स हैं, कमेंटेटर्स, फायर एग्जिट हुआ, स्टोर हुआ, रूम नंबर्स तरह तरह के आजकल लगते हैं। अच्छा, उस तरह के सब डिफरेंट टाइप के रूम नंबर वगैरह भी आप बनाते हैं? हाँ जी, ये यहाँ में रूम नंबर जैसे ग्लास के ऊपर है, ये पूरा ग्लास का ही है, पूरा ग्लास के ऊपर है। अच्छा, एक और नीचे में फिर एक और डिजाइनर रूम नंबर है। वाओ, वेरी नाइस। तो ये जैसा बोलते हैं वैसा बन जाता है, ऑल कस्टम मेड। ठीक है। इसके अलावा ये जैसे नियॉन साइंस है, नियॉन के लेटर्स, ये भी जैसा बोलेंगे वैसा बन जाएगा। हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ है, ओ बेबी, या कुछ भी लिखा हुआ, आपके स्टार या हार्ट के सिंबल हैं, ये सब हो सकते हैं। अच्छा। हाँ, यहाँ तो बहुत सारे चीज देख रहा हूँ, जैसे ये सब रिलीजियस सिंबल्स हैं। अच्छा, ये सारे रिलीजियस? हाँ जी, ये त्रिशूल हुआ, ये अपने बंगाली स्वस्तिक हुआ, ओम हुआ, ये इसको खांडा बोलते हैं। अच्छा। पंजाबी में। अच्छा। सिखों का सिंबल है ये। ओम तरह तरह के बनते हैं, कोई बंगाली ओम हुआ, कोई हिंदी ओम हुआ, कोई कहीं का हुआ, तो ये सब हम बनाते हैं। ये वाली जो प्लेट्स है ये सब बड़े साइज में बनती है, स्टेनलेस स्टील की, बंगलोज वगैरह के जो नेम प्लेट्स होते हैं उसके लिए ये बैकग्राउंड हुआ, इसमें बंगलो के नाम आ सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर, आप आज हमें समय देने के और ये सारे चीज को दिखाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपको। धन्यवाद।